आजकल हमारे कुछ दोस्त जो मंसूब हो गए हैं यूट्यूब से, और वो दीन मुहम्मदी को पूरा यूट्यूब के ऊपर तलाश करते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर तलाश करते हैं, तो वो अपनी नादानी में अपने शेख की बात मानते हुए इस तरह के जाहिलाना जुमले कह जाते हैं कि कुरान तो बड़ा कड़वा है जी, माज़ अल्लाह। ये अभी मेरी आज किसी के साथ बातचीत हो रही थी तो उसने भी ये जुमले कहे। आप पूरा कुरान मजीद उठा लें, पूरे कुरान मजीद के अंदर गौर व फ़िक्र कर लें, आप पूरी अहादीस मुबारक उठा लें, उनके ऊपर गौर व फ़िक्र कर लें, आप तमाम आइम्मा की तारीख़ उठा लें, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र कर लें, आप हज़रात सहाबा किराम को उठा लें, उनकी पूरी ज़िंदगियों को पढ़ लें, जहाँ जहाँ जिस अंदाज में भी मौजूद हैं, आपको इस तरह से अजीब व गरीब जुमले उनके पास से नहीं मिलेंगे। इसके बरक्स दूसरे जुमले मिलेंगे कि कुरान कड़वा नहीं है, कुरान तो रब का कलाम है, इससे मीठी चीज़ और क्या हो सकती है, ये एक सोने रब का सोना कलाम है। हाँ, इसी कलाम मजीद के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया, इसमें फिरौन का भी तज़किरा है, मूसा का भी तज़किरा है, इसमें नमरूद का भी तज़किरा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है, अल्लाह करीम ने दुश्मनों के भी तज़किरे किए हैं, दोस्तों के भी तज़किरे किए हैं, तज़किरों वो जो उसने बताना था वो बताया, लेकिन इस कुरान मजीद के ऊपर ये वाले जुमले कहीं नहीं फरमाए कि ये बड़ा कड़वा कलाम है। बल्कि जब भी गुफ्तगू हुई, अल्लाह पाक ने फरमाया वो सामने वाले के दिल में मर्ज़ है, उसका दिल टेढ़ा है, उसका दिल पत्थर वाला है, वो मुर्दा है, यानी नफ्स इनके नफ्स के अंदर गिलाजत है, कड़वापन इनके अंदर है, मेरे कलाम में कड़वापन नहीं है। वो जो इनके अंदर की कड़वाहट है ना, वो मेरे कलाम को उतरने नहीं देती। और सर यही मामला आप लोगों का है, जब आप लोगों से कुरान मजीद कोई शख्स सुनता है और वो आप लोगों का रद्द करता है, तो वो दर हकीकत आपके लहजों की कड़वाहट को रद्द करता है। आप अपने मन की, आप अपने नफ्स की गिलाजत को, कड़वाहट को कुरान का नाम देकर जब बयान करते हैं ना, तो सामने वाला उसका इनकार करता है कि नहीं, ये कड़वाहट हमें नहीं चाहिए, हमें रब का कलाम चाहिए, क्योंकि ये कलाम हमारे पास भी है, हम भी इसे पढ़ते हैं, हमने इससे अपनी ज़िंदगियां गुजारी हैं, हमने पिछला 1450 साल वक्त गुजारा है इसी कुरान मजीद के साथ, इसमें गौर व फ़िक्र करने वाली बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां आई, बड़े बड़ा अल्लाह करीम ने उन्हें मुकाम दिया है। ये कुरान तो मुकाम दिलाता है इंसान को, अल्लाह के हुजूर ले जाता है, अल्लाह की नेमतों का मुस्तहिक ठहराता है, ये कड़वा कहाँ से हो गया? आप ये मानो कि कड़वाहट आपके मन के अंदर है, कुरान में नहीं है। अपने जुमलों को सही रखें यार, रहम करें अपनी ज़ात के ऊपर भी, लोगों के ऊपर भी रहम करें, उन्हें अल्लाह का बंदा रहने दें, अल्लाह के कलाम को अल्लाह का कलाम रहने दें, उसकी पाकीज़गी, उसकी अज़मत, उसकी शान रहने दें, उसे कड़वा ना बोलें। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए।